Don't laugh. Good morning, all of you. Good morning. आज हम महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित गिल्लू पाठ पढ़ेंगे। संचयन का बहुत अच्छा पाठ है ये, और किसी भी प्राणी के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए वो इस पाठ से हमको सीखने को मिलेगा। महादेवी वर्मा छाया वाली बहुत ही आधार स्तंभ लेखिका रही हैं, कवियत्री रही हैं, और इन्होंने छायावाद के अंतर्गत बहुत सारी कविताएं रची हैं। छायावाद का मतलब होता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ही छायावाद कहलाता है। ऐसी कहानियां, ऐसी कविताएं जो कि आंखों देखी थी और उसके बारे में उन्होंने लिखा और पूरी तरह से उसमें डूब कर उन्होंने उनका वर्णन किया है। उनकी कविताएं भी बहुत ही पढ़ने योग्य है, और उनका जो पाठ हमने पढ़ा है नीलकंठ, जो सेवंथ में आप लोगों ने पढ़ा था, है ना, सेवंथ में जो नीलकंठ आपने पढ़ा था, मोर के बारे में पूरा वृत्तांत उन्होंने संस्मरण या रेखा चित्र के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शित किया था। तो जो मोर है उसके लिए हमारी जो भावनाएं दिल में आती है उस पाठ को पढ़कर, वैसी ही कहानी गिल्लू के लिए भी यहाँ पर उन्होंने लिखी है। तो पहले ये जहां भी रहती थी इनका एक चिड़ियाघर जैसा पूरा का पूरा चिड़िया और पशु पक्षियों का एक बसेरा इनके घर के पास में ही हुआ करता था, या ये कहें कि इन्होंने चिड़ियाघर जैसा ही अपने घर के आसपास बना कर रखा था, जिसको ये जाली घर के नाम से बोलती थी। ये जाली घर का नाम दिया था इन्होंने, जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी इन्होंने पाल रखे थे और उनको सुरक्षित रखने के लिए पूरे प्रयास करती थी। दाना पानी उनका, उनके रहने की पूरी व्यवस्था करती थी। इनको पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। ये अभी नहीं है, प्रोफेसर थी। प्रोफेसर होने के कारण जॉब पे भी जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी ये पशु पक्षियों को पालने का काम बड़ी आसानी से कर लेती थी, और इनका घर में ही एक ऑफिस बना हुआ था जिसमें गिल्लू रहता था। तो गिल्लू के बारे में जो भी उनकी भावनाएं यहाँ पर अभिव्यक्त हुई हैं, वो इस पाठ से आपको मालूम पड़ेगी। सोन जुंगी में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। सोन जुंगी एक पुष्प का नाम है जो पीले रंग का होता है, और उसके जो उसका जो पौधा है उसमें एक पीली कली लगी हुई है। इसे देखकर अनायास ने अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो उस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था। उसमें सोन जुंगी की जो लता चल रही थी, लता यानी बेल, और वो बेल कैसी थी, वो पौधा कैसा था, बहुत घना था जिसमें बहुत सारी पत्तियां थी, और उसमें उसकी सघन हरितिमा, उसकी बहुत सारी पत्तियां क्या एकदम सघन हरितिमा मतलब गहरी हरी दिखाई देती थी, और हरितिमा यानी हरा हरियाली में छिपकर बैठता था। मतलब उस वो जीव जो इसकी सघन हरितिमा में या सघन हरियाली में छिपकर बैठ जाता था, उसका स्मरण हो आया था उनको। और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था, और जैसे ही उस बेल के अंदर वो छुपा हुआ रहता था, और मैं जैसे ही वहां पास में जाकर खड़ी होती थी तो वो क्या करता था, जल्दी से मेरे कंधे पर आ जाता था, कूद कर मुझे चौंका देता था। जैसे एकदम से अपन खड़े हो और कोई एकदम से पीछे से हाथ लगाए या धप्प से कोई अपने ऊपर गिरे तो हम चौंक जाते हैं ना, ठीक वैसे ही वो छोटा सा जीव जिसका नाम गिल्लू है वो उनके कंधे पर कूदकर उनको चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, और तब मैं क्या करती थी, सोन जुही में कलियां खोजती रहती थी कि कब कोई फूल खिल जाए, कब कोई कली खिल जाए, लेकिन तब कलियां नहीं निकल रही थी। पर आज उस लघु प्राण की खोज है, लेकिन तब मैं कलियां खोजती थी जब वो इसमें छुपा हुआ रहता था, लेकिन आज मैं क्या खोज रही हूँ, उस प्राणी को खोज रही हूँ जो इस हरियाली वाली बेल में छिपा रहता था। इतनी सघन बेल थी वो कि पत्तों में जाकर छुप जाता था तो दिखाई नहीं देता था, और मैं कलियां ढूंढने आती थी और वो मेरे कंधे पर आकर बैठ जाया करता था। प्लीज डोंट टॉक,
परंतु वह तो अब तक इस सोना जुए की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। परंतु अब क्या हुआ होगा, उसको क्या किया था, सोन जुए के गमले के अंदर मिट्टी में दबा रखा था, दबा दिया था, इस कारण से अब वो क्या सोच रही है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जुए की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, मतलब अब तक तो वो मिट्टी में मिल गया होगा, क्योंकि कभी भी किसी प्राणी को हम मिट्टी में दबाते हैं तो वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया, और पता नहीं कौन जानता है इस बात को कि इस स्वर्णिम कली के बहाने, इस सोने जैसी दिखाई देने वाली कली या इस पीली कली के कारण ही वो प्राणी मेरे सामने आ गया हो। पता नहीं किस व्यक्ति का कब दूसरा जन्म हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कह सकता कि कब किसका दूसरा जन्म हो जाए। कृष्णा सोना नहीं है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जुए की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, अब यहां से उसकी कहानी शुरू हो रही है, उन्होंने जब उसको पाया था तब से कहानी यहां से शुरू हो रही है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। दो कौवे क्या कर रहे थे, गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे थे, कोई एक इधर जा रहा था कोई दूसरा उधर जा रहा था, एक दूसरे से छुप रहे थे, इस तरह से खेल खेल रहे थे वो। यह काकभुषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित अनादरित अति सम्मानित अति अवमानित, मतलब काकभुषुंडी एक ब्राह्मण जो लोमश ऋषि के शाप से कौवा हो गए थे, लोमश ऋषि ने एक ब्राह्मण को शाप दे दिया था जिसके कारण वो कौवे में परिवर्तित हो गए थे और राम के भक्त थे, कौवे के रूप में ही उन्होंने राम की भक्ति करी, और कहते हैं कि इनकी बनाई भुषुंडी रामायण भी प्रचलित है। सबसे पहले जो रामायण लिखी गई थी काकभुषुंडी ने लिखी थी, रामायण की आरती में तुमको एक नाम आता होगा, जब हम रामायण पढ़ते हैं या कुछ बच्चे देखते होंगे अपने पेरेंट्स को या अपने दादी नानी को कि वो रामायण या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसके बाद रामायण की आरती होती है, उसमें एक नाम आता है काकभुषुंडी गरुड़ के ही की आरती कीजे रामायण जी, ऐसा है ना, एक किसी को नहीं मालूम। तो काकभुषुंडी जो थे वो राम के बहुत बड़े भक्त थे और एक लोमश ऋषि के श्राप के कारण वो कौवे में परिवर्तित हो गए थे, इस कारण से उनकी जो रामायण है उन्होंने कौवे के रूप में ही लिखी। तो ये विचित्र पक्षी है, कैसे एक साथ समादरित, समादरित यानी एक साथ सम्मान पाने वाला, वो कैसे कैसे विशेष आदर इसको कब दिया जाता है, पितृ पक्ष में, पितृ पक्ष यानी 16 दिन के जब श्राद्ध पक्ष आते हैं उसमें हम उनको बुला बुला कर खाना खिलाते हैं, तब हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कौवे के पेट से स्वर्ग का रास्ता जाता है, या कौवे को यदि खाना खिला दो तो कौवा स्वर्ग तक हमारा खाना या हमारा अन्न पहुंचा देता है, वहां जाकर सब कथा सुनाता है कि तुम्हारे बेटे ने आज अन्न खिलाया, तुम्हारे बेटे ने आज ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि इसकी पहुंच कहाँ तक होती है, स्वर्ग तक होती है कहा जाता है। तो एक साथ समादरित मतलब एक साथ सम्मान पाने वाला, 16 दिनों तक लोग उसका सम्मान करते हैं, बुला बुला के उसको खाना खिलाते हैं, और एक साथ अनादरित भी हो जाता है कभी कभी, कौवा बस इन 16 दिन के बाद यदि कौवा कभी मुंडेर पर आ जाए तो व्यक्तियों को शक हो जाता है कि ये काम काम कर रहा है, पता नहीं कौन अतिथि आने वाला है, कौवे के बोलने पर अतिथि के आने का अंदेशा होता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसके कारण भी लोग उसको उससे नफरत करते हैं, फिर उसके काव काव भी अच्छी नहीं लगती, इस कारण से भी लोग उसका अनादर करते हैं, क्योंकि कोयल और कौवे में बहुत अंतर होता है, कोयल तो बहुत मीठे स्वर में गाती है और कौवा काव काव करके कर्कश आवाज उत्पन्न
उत्पन्न करता है, इस कारण से हमको पसंद नहीं आता, तो इस कारण उसको हम अनादरित करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। अति सम्मानित और अति अपमानित, मतलब अति सम्मान 16 दिन मिलता है उसको, और अति अपमान जब वो गांव गांव करता है, कर्कश ध्वनि उत्पन्न करता है और मांस के टुकड़े लाकर गांव गांव करके सब झुंड का झुंड इकट्ठा होकर वो कहीं पर भी आकर खाने लग जाता है, तब भी हमको उसको देखकर घृणा होती है, हम उसका अपमान करके उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से ये घृणित कार्य कर रहा है, तो वहां पर हम उसका अपमान भी करते हैं। तो इस तरह से अपमान और सम्मान दोनों किया जाता है उसका। यह भी एक विचित्र प्राणी है, विचित्र पक्षी है, इस तरह से उन्होंने उसकी व्याख्या की है लेखिका ने, कि एक जगह तो उसको बहुत आदर मिलता है और दूसरी जगह उसका बहुत अपमान किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। गरुड़ जो है विष्णु भगवान का वाहन कहलाता है, और गरुड़ में हाथी को उठा लेने की भी शक्ति होती है, तो गरुड़ बहुत शक्तिशाली प्राणी होता है। सिर्फ इतना ही बताऊंगी क्योंकि गरुड़ के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, तो गरुड़ का सिर्फ इतना ही यहाँ पर पहचान बताऊंगी मैं कि वो विष्णु का वाहन है और उसमें हाथी तक उठाने की शक्ति होती है और इंसान जैसा दिखाई देता है लेकिन वो उसके पंख होते हैं। तो न मयूर के न हंस के, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के न हंस के, फिर भी हम कौवे के रूप में उसको उनको बुलाकर उनको खाना खिलाते हैं। यहाँ पर लेखिका इस किंवदंती का विरोध कर रही है, इस परंपरा का विरोध कर रही है कि मरने के बाद व्यक्ति कौवे के रूप में कहाँ से आ सकता है, या फिर एक कौवे को या 25 कौवों को हमने खाना खिला दिया तो क्या उनमें से ही तुम्हारा कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उन्हीं 25 कौओं को दूसरे ने भी खिला दिया, तीसरे ने भी खिला दिया, चौथे ने भी खिला दिया, तो क्या सभी के पूर्वज उन्हीं कौओं में छुपे हुए हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर वो यही बोल रही है कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के रूप में, और न ही कौवे के रूप में आ सकते हैं, फिर हम क्यों जबरदस्ती की इन परंपराओं को निभाते रहते हैं और कौवे का इतना सम्मान करके उसको पूजा जाता है और श्राद्ध में खाना खिलाया जाता है। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, मतलब उन बेचारे पूर्वजों को सिर्फ कौवा बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, मतलब कौवा बनकर ही जन्म लेकर हमारे पास आना पड़ता है खाना खाने के लिए। वो गरुड़ और हंस नहीं बन सकते क्या? मोर नहीं बन सकते क्या? कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म यदि होता है और उसमें यदि हमारा विश्वास है तो पुनर्जन्म में व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी जगह जन्म ले सकता है, चाहे वो कीड़ा बने, चाहे मकोड़ा बने, चाहे पक्षी बने, चाहे इंसान बने या कोई जानवर बने, कुछ भी बन सकता है। तो उसको सिर्फ हम कौवे के रूप में ही क्यों पूछते हैं और बुलाते हैं? तो ये एक परंपरा जो है इसका उन्होंने विरोध किया है कि पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और इस पक्षी के मधुर तो बोलता नहीं है, कर्कश स्वर में जब चिल्लाता है तो क्या होता है? हमारे दूरस्थ कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आने वाले होते हैं, अतिथि जो आने वाले होते हैं, उसका संदेश भी हमको इसी प्रकार से देता है, तो क्या इसके बोलने से ही व्यक्ति आ रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कौवा बोलेगा तभी व्यक्ति आएगा, अभी तो कौवे दिखाई ही नहीं देते हैं और फिर भी हमारे घरों में अतिथि आते जाते रहते हैं। तो ये जो किंवदंती है ये भी मिथ्या है। हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, और दूसरी ओर हम कौवे के काव काव को अवमानना, मतलब उसकी हम अवहेलना करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, और एक वक्त ये होता है जब हम उसको बुला बुलाकर खाना खिलाते हैं, तो ये तो उसकी बहुत बड़ी अवहेलना हो गई, उसकी उपेक्षा हो गई है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई, और ऐसे ही मैं सोचती रही
और इतने में काक पुराण के विवेचन करती रही कर रही थी, उसी में मेरी दृष्टि कहाँ पर पड़ी, एक गमले और दीवार के बीच की संधि में, जोड़ में, है ना, संधि यानी जो, तो एक दीवार और उसके बीच में गमला, गमला और उसके गमला रखा है और दीवार है, उसके बीच में उनकी दृष्टि पड़ी। निकट जाकर देखा, दोनों कौवे लड़ रहे थे और कौवों की लड़ाई में वो सोचती जा रही थी, कौवे का विवेचन करती जा रही थी, और इतने में क्या दिखाई दिया उनको, गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव दिखाई दिया, छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। गिलहरी का छोटा सा बच्चा ऊपर से उसके घोंसले में से नीचे गिर गया था और कौवे उसको खाना चाह रहे थे, आहार आहार यानी खाना बनाना चाह रहे थे। संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, सुलभ यानी आसानी से जो आहार मिल जाए उसको सुलभ बोला जाता है। तो कौवे इसी कारण से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे दोनों आपस में कि उसको चाहिए था, उसको चाहिए था, और उस बच्चे की हालत खराब हो रही थी। काकद्वय यानी दोनों कौवे, काकद्वय यानी दो कौवे, दोनों कौवे लड़ाई कर रहे थे। अभिषेक कम फ्रंट, काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, मतलब दोनों कौवों के चोंच के घाव उस छोटे से जीव के लिए बहुत थे, क्योंकि एक ही चोंच में उसको उन्होंने घायल कर रखा था। लघु प्राणी ने छोटा सा प्राणी, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था, अतः वह निश्चेष्ट सा बिना हिले डुले कहाँ पड़ा हुआ था, गमले से चिपका हुआ पड़ा था, मतलब जैसे ही उनकी निगाह पड़ी कौवे उसकी हालत बुरी तरह से खराब करे जा रहे थे, और जैसे उन्होंने देखा कि कौवों ने उसको घायल कर रखा है और वो गमले से चिपका हुआ पड़ा है। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, और घर वालों ने क्या बोला कि कौवे का कि चोंच का घाव इस पर लग गया है इसलिए यह बचने वाला नहीं है, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए और इसको आप ऐसे ही पड़े रहने दो, अपने आप मर जाएगा, छोड़ दो इसको। लेकिन ममता वही दिल जो होता है ना, किसी को खतरे में, किसी को घायल रूप में नहीं देख पाता, और वही करुणा वही ममता लेखिका में भी कूट कूट कर भरी हुई है, जो कि इन वाक्यों से हमको समझ में आएगी। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाए, मतलब मन नहीं माना उसके घायल रूप को देखकर, उसकी घायल अवस्था को देखकर मेरा मन नहीं माना और मैंने क्या किया, अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछ कर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगा दिया, फिर रुई से उसके सब घाव पोंछे, खून पोंछा और उस पर पेंसिलिन का मरहम यानी दवाई लगा दी। पेंसिलिन मतलब एक ट्यूब आता है एंटीबायोटिक, वो घाव पर लगा दो तो उससे घाव ठीक हो जाते हैं। तो उनके घर में था वो, तो उन्होंने उसके घाव पर वो दवाई लगा दी। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगो कर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई पर मुंह खोल न सका, मतलब इतनी तरह से इतना ज्यादा घायल हो चुका था वो कि रुई की बत्ती में रुई की बत्ती भिगाई और उसको दूध पिलाना चाहती थी वो, लेकिन उसका मुंह खुल नहीं पाया और दूध की बूंदे दोनों ओर ढुलक गई, और दूध की जो रुई से उन्होंने टपकाया था वो दोनों बूंदे आसपास ढुलक गई, उसने पीने की चेष्टा भी नहीं की। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, कई घंटे का उपचार उसका चलता रहा, उसको बार बार मैं देखती रही, उसका उपचार करती रही, उसके बाद उसको थोड़ा सा होश आया और फिर उसके बाद उसने एक बूंद पानी उनके टपकाने पर मुंह खोलकर पानी पिया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। आश्वस्त मतलब पूरी तरह से
बेफिक्री हो जाना, है ना, निश्चिंत हो जाना, किसी प्रकार का कोई गम नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी का कोई डर नहीं। निश्चिंत होना मतलब किसी का कोई डर ना होना दिल में। तो तीसरे दिन तो वह क्या हो गया, आश्वस्त हो गया, क्योंकि उसको इतना प्यार जो मिल रहा था वहां पर, और प्यार का तो हर व्यक्ति हर प्राणी कायल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर उस प्राणी को भी लेखिका से स्नेह हो गया था और लेखिका को भी उसको बच्चे जैसे संभालने में ममत्व उमड़ रहा था, इस कारण से उन्होंने उसको दूध और पानी पिलाना शुरू कर दिया था और तीसरे दिन तक उसको अच्छा कर दिया था। और वो उनकी उंगली पकड़ रहा कर अपने दोनों दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लग गया था। उन्होंने उसने लेखिका के हाथ पकड़ लिए थे, उंगली पकड़ ली थी और इधर उधर टुकुर टुकुर देख रहा था। अब छोटी सी गिलहरी है, आप उसको देखोगे तो कितनी चंचल होती है वो, देखा आप लोगों ने कभी गिलहरी को, दोनों हाथ से खाना उठा उठाकर खाती है, दोनों हाथ से ऐसे बैठ जाएगी और कुटर कुटर खाती रहेगी, तो इतनी प्यारी लगती है जब वो खाना खाती है तब देखना उसे। तो यहाँ पर लेखिका को भी उससे बहुत स्नेह हो गया था, आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा, उसकी आंखों को कांच के मोतियों की उपमा दी है यहाँ पर लेखिका ने। गिलहरी के जो आंखें हैं उसको कांच के मोतियों की उपमा दी गई है। तीन चार मास में उसने स्नेह रोए झपकेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी थी। तीन चार मास में उसके गिलहरी के ऊपर बाल नहीं रहते, पहले ऊपर उसके बाल आ गए, इसे पंजे जैसा जो दिखाई देता है ना उसका ऊपर का हिस्सा वो, और फिर झब्बेदार पूंछ भी बन गई उसकी और चमकीली आंखें सबको विस्मित आश्चर्यचकित करने वाली आंखें उसकी हो गई थी और इस तरह से वो पूर्ण गिलहरी के रूप में परिवर्तित हो गया था। हमने इसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। जातिवाचक संज्ञा मतलब गिलहरी में सारी गिलहरियां आ गई, ये समूह हो गया गिलहरियों का, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने उसको कोई नाम देना था, है ना। जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना, जातिवाचक संज्ञा गिलहरी, गिलहरी कॉमन वर्ड है, सभी गिलहरी आ जाती है, पूरा समूह आ जाता है, पूरी जाति आ जाती है गिलहरी, लेकिन यहाँ पर उसको जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना मतलब उसको कोई नाम दे देना। व्यक्तिवाचक मतलब एक नाम से किसी को जाना जाना, है ना, हम किसी के नाम से उसको पुकारते हैं तो वो क्या है, विशेष रूप से उसकी पहचान बन जाती है वो। उसी तरह से इस गिलहरी की पहचान बनाने के लिए यहाँ पर उसका गिलहरी जो स्वरूप है, जो जातिवाचक संज्ञा है, उसको हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि गिल्लू नाम देकर उसकी पहचान बना दी, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से पहचानी गई। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे और इस प्रकार हमने उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कौन सा नाम दिया, गिल्लू। मैंने फूल रखने के एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। हल्की सी एक डलिया ली मैंने, उसमें रुई बिछाया और तार से उसको खिड़की पर लटका दिया। छोटी सी एक डलिया ली उन्होंने, अब गिलहरी कितनी बड़ी होती, इतनी बड़ी होती है, उसमें रुई बिछाया और तार से खिड़की पर टांग दिया और उसमें उसको बैठा दिया। वही दो वर्ष गिल्लू का घर रहा और वही दो वर्ष तक गिल्लू का घर खिड़की के पास जो डलिया थी वह रहा। वह स्वयं मिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मन को सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। मन का यानी मोती, मन का यानी मोती, है ना, और मन का मतलब हमारे मन का, ये संबंध बोधक और वो मन का यानी मोती, अनेकार्थी मन का, इसके मन का, उसके मन का, इसके मन का, जिसके मन का। वही दो वर्ष गिल्लू का घर रहा, वह स्वयं मिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनमोहक सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता रहता।
आप खिड़की में उसको लटका दिया था, बाहर भी देखता रहता था, अंदर भी देखता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। उसकी समझदारी और उसके कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था, क्योंकि वो बिल्कुल इंसानों के समान कार्य करने लगा था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। लिखती क्यों थी लेखिका? क्योंकि उनको लिखने का शौक था। चूंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उनका वैधव्य जो जीवन था वो बहुत ही नीरस था, इस कारण से उन्होंने अपने आसपास पशु पक्षियों को रहना सिखाया। अपने आसपास उन्होंने पशु पक्षी पाले, उनका जीवन उन्होंने पालन पोषण में बिता दिया। और प्रोफेसर होने के कारण वो पढ़ी लिखी थी, इस कारण से लिखती थी, कविताएं लिखती थी और लेख भी लिखती थी, कहानियां भी लिखती थी। इस तरह से उन्होंने अपना जीवन पूरे लेखन में बिता दिया था और पशु पक्षियों को पालने में। तो जब वो लिखती थी, उनका एक ऑफिस बना हुआ था, तब वो क्या करता था, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। क्या खोज निकाला था? वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। आपको मालूम होगा कि गिलहरी कितनी जल्दी ऊपर चढ़ती है और नीचे उतरती है, है ना? तो सर से मेरे पैर से ऊपर चढ़ जाता था और वापस साड़ी पर से नीचे उतर जाता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठाती। जब तक मैं उसको पकड़ने के लिए उठाती नहीं तब तक उसका क्रम ऊपर नीचे मेरे चलता रहता था। कभी मैं टिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। और इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। ये लिफाफा है मानो, अब इसमें उन्होंने बिठा दिया है ना, ये गिल्लू है, अब इसको बिठा दिया है, इसका सिर्फ चेहरा बाहर है और उन्होंने टेबल पर रख दिया उस लिफाफे को। तो घंटों तक वो देखता रहता था कि वो क्या लिख रही है, बस उसका यही क्रम था। घंटों उस लिफाफे में पड़ा पड़ा वो उनको देखता रहता था कि ये क्या कर रही, इतना प्यार करता था वो और वो इतना प्यारा था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, मतलब छोटा सा शरीर, लिफाफे के भीतर वो उसको ना लिफाफे को ऐसा पकड़कर ऐसा खड़ा रहता था, गर्दन को बाहर निकाल कर, कितना अच्छा लगता होगा, सोचा नहीं? गिल्लू को लिफाफे में डाल देती थी तो उसका ऊपर का गर्दन का हिस्सा और उसके आगे के दो पैर वो ऐसे पकड़कर, उस लिफाफे को पकड़कर बहुत देर तक लेखिका को देखता रहता था, उसी लिफाफे में बैठा रहता था वो चुपचाप। अभी मैं ले चलती हूँ वहां तक, जो पेड़ है ना रास्ते में तुमको पेड़ मिलेंगे ना, वहां पर बहुत सारी गिलहरियां हैं। भूख लगने पर चिकचिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों को पकड़कर उसे उतरता। आज के लिए इतना ही काफी है।